और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने है, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी की नई रणनीति सामने आई है। टीम 11 को भंग कर गठित की टीम 9, अब स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री करेंगे नेतृत्व। टीम 9 को सीएम योगी का साफ निर्देश, लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, जिम्मेदार अफसर को ये निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि नई रणनीति इसके तहत से पहले टीम 11 बनाई गई थी और उसी में लगातार मंथन हो रहा था, आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जानी इसको लेकर चर्चा हो रही थी। अब वो टीम 11 नहीं, टीम 9 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बना दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोरोना से कैसे निपटना है, रणनीति आगे की क्या कुछ रहनी है, टीम 11 को भंग कर टीम गठित की गई है टीम 9, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। कोरोना से ठीक हुए सीएम योगी, सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और होम आइसोलेशन के बाद अब उन्होंने ये जानकारी खुद ट्वीट कर दी है कि वो स्वस्थ हैं और उनकी अब रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो वर्चुअली बैठक कर रहे थे, वो लगातार मंथन इस बात को लेकर कर रहे थे। इससे पहले जो टीम 11 रही तो उससे लेकर लगातार मंथन कर रहे थे कि यूपी में कैसी स्थिति है और कैसे आगे क्या कुछ और किया जाना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, यूपी के प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में भारी हंगामा देखने को मिला है, जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट हुई है, दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय गंभीर रूप से घायल हो गए इस मारपीट में, और मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। दबंगों ने किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया, मारपीट की, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल से तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट हुई है, दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, वो स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डटे हुए हैं, और दबंगों ने उन्हीं के साथ मारपीट की है, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारा है, और इसी का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। और एक और अहम जानकारी आपको दे दे, उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर, यूपी में गुरुवार को भी कोरोना ने कहर बरपाया है, बीते 24 घंटे में 35,104 नए केस सामने आए हैं उत्तर प्रदेश से। बीते 24 घंटे में कोरोना से 295 लोग ऐसे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां के लिए नई रणनीति भी बनाई गई है, अभी अभी हमने आपको जानकारी इस बात की दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को भंग कर टीम 9 का गठन किया है, और इसी तरीके से आगे जो है और भी सख्ती बढ़ाई जाएगी, यानी कि सख्ती से सारे नियमों का कायदों का पालन करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से ही एक बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब 3 दिन रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। ये आपको बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, पहले 2 दिन का लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है, उसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि आज से ही, यानी आज शाम से ही वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और सोमवार सुबह तक जो तमाम पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, कोरोना को मात देने के बाद सीएम योगी फील्ड में उतरते नजर आए हैं, सीएम योगी कुछ ही देर में अवध शिल्प ग्राम में पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अवध शिल्प ग्राम में तैयार हो रहे डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, डीआरडीओ के 500 बेड के अस्पताल का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इससे पहले आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, कोरोना संक्रमित वो हुए थे और अपना ख्याल वो रख रहे थे, होम आइसोलेट उन्होंने खुद को कर लिया था, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है, उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटद्वार में दिल्ली पुलिस का छापा, 5 आरोपी इस छापेमारी कार्रवाई में गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने बरामद किए 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 25,000 में ये नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ देश महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ कैसी तस्वीरें कालाबाजारी की सामने आ रही है वो भी आप समझिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देश की अगर बात की जाए तो देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं, एक दिन में कोरोना से 3,498 लोगों की मौत हो गई है, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो देश में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं।
आदमी मर जा रहा है, हॉस्पिटल सही कैसे किया? बोले हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। सड़कों पे लाशें बिछी पड़ी हैं। भगवान ने कहे पर इंडिया में वही मंदिर सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मम्मी का जो ऑक्सीजन रेट है वो 35 आ गया है। कोरोना का कालचक्र, मई में मौत की सुनामी। भारत में कोरोना मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। बुजुर्ग, बच्चे और जवान इस वक्त अस्पतालों में एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते कोरोना मरीजों का बोझ हमारे सिस्टम को तबाह कर रहा है। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों के बीच कोरोना एक्सपर्ट एक ऐसा दावा कर रहे हैं जिसे शायद ही कोई सुनना चाहे। IIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक मई का महीना भारत पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है, जब देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मरीजों के नए केस सामने आएंगे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस मीटिंग के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल द्वारा किए गए प्रेजेंटेशन में जिन प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया गया, उनमें कोरोना संक्रमण मई मध्य तक अपनी पीक यानी चरम पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा यह भी अनुमान जताया गया कि हर दिन आने वाले मामले बढ़कर 5 लाख तक पहुंच सकते हैं और यह रफ्तार जून जुलाई में जाकर कम होने की संभावना है। प्रेजेंटेशन में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा खतरे का अनुमान जताया गया और कहा गया कि इन राज्यों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत गंभीर परिदृश्य का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ तो दीजिए, दिल्ली सरकार से अपील है, केंद्र सरकार से अपील है, या जिसकी भी कोई सी भी सरकार हो, मुझे नहीं लेना देना, ना मैं कोई पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ टाइम, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए मेरे पेशेंट के लिए, कोई सी भी पार्टी दे दे। इन हालातों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल में जो कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया वो अब मई महीने में मौत की सुनामी बन सकता है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर हर तरह से तैयारी कर रही है और राज्यों को भी आगाह कर रही है। कोरोना प्रेजेंटेशन में 30 अप्रैल तक कोरोना के अनुमानित मामलों की चर्चा की गई। जिन राज्यों में मामले बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है वहां महत्वपूर्ण उपकरणों में कमी की बात कही गई है। प्रेजेंटेशन में 10 राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जहां कोरोना मामलों की वजह से प्रेशर अधिक है, वहां स्वास्थ्य ढांचे में कमियों की ओर इशारा किया गया। यानी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 10 राज्यों में मई महीने में कोरोना से बहुत बुरा हाल हो सकता है। कोरोना में जंग में मई का महीना देश के लिए बेहद खतरनाक और निर्णायक साबित हो सकता है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में इस महीने के अंत तक मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। यूपी में अप्रैल महीने के अंत तक 119,604 मामले आने की उम्मीद है, जो अप्रैल की 15 तारीख को मिले 20,439 मरीजों का 5 गुना है। दिल्ली में भी इसी तरह कोरोना मामलों में 4 गुना तक इजाफा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 15 अप्रैल को 17,282 मामले सामने आए थे, जो महीने के अंत तक 67,134 तक बढ़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि किसी भी राज्य के पास मामलों में उछाल से निपटने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है। उपचार सुविधाओं की कमी के कारण मौतों की संख्या काफी बढ़ सकती है। कोरोना वायरस मई महीने में भारत के लिए वाकई एक गंभीर चुनौती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और हमारा मेडिकल सिस्टम इस महामारी से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के BKC में कोरोना वैक्सीन नहीं है और लगातार तीसरे दिन BKC में वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ा है, बंद है। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, मुंबई के BKC में कोरोना वैक्सीन यहां पर नहीं है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए जो लोग यहां पर आए वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझिए कि कितने हालात यहां पर खराब नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जी हिंदुस्तान संवाददाता से मारपीट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा गार्ड और एक सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, लगातार हिंदुस्तान ये सवाल उठा रहा था कि आखिर किसने अधिकार दिया अस्पताल प्रशासन को कि एक मीडिया कर्मी पर इस तरह से हमला करें।
मारपीट की गई, हमारे सहयोगी के साथ गंभीर चोटें उन्हें आई है और इसीलिए जी हिंदुस्तान ये मांग कर रहा था कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब इस पूरे मामले पर एक्शन में आ गई है पुलिस, दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जब हमारे सहयोगी अम्बेडकर अस्पताल वहां पर कवरेज कर रहे थे, लोगों को क्या परेशानी है ये सच दिखाने के लिए अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और ये वो गुंडे, अस्पताल प्रशासन के गुंडे जो वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने हमारे सहयोगी के साथ मारपीट की। तस्वीर आप देखिए हमारे सहयोगी के साथ किस तरीके से मारपीट की गई है और किस तरीके से वार किया गया है हमारे सहयोगी पर, वो बुरी तरीके से हमारा सहयोगी हितेन इसमें जख्मी भी हो गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, देखिए कैसे पीठ पर वार किया गया है हितेन के और अब एक्शन में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है, सुरक्षा गार्ड और एक सुपरवाइजर अरेस्ट यहां पर हो चुका है। हमें सच दिखाने से रोका गया था, हमें सच्चाई बताने से रोका गया था। तुम भी सूट नहीं कर रहे हो, चलिए फोन लाइन पर मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सच्चाई हमने दिखाई, हितेन के साथ मारपीट हुई और अब दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, क्या और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल रितिका, इस वक्त मैं उत्तरी रोहिणी थाना में मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर पहले मेरी यहां के SHO भूपेश सिंह से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है अम्बेडकर हॉस्पिटल के, जिसमें से एक गार्ड है और दूसरा सुपरवाइजर है और गिरफ्तार करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ये SHO ने हमें जानकारी दी है। साथ में आपको बता दें कि जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद अहम है। इसमें IPC की धारा 323, 341, 506 और 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई होगी क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर हैं हितेन, उनका ये कहना है कि CMO के कहने पर पीटा गया था, बंधक बनाकर एक कमरे में मारा गया था। तो अभी कई ऐसे लोग हैं इस अस्पताल में जिनके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और अब से थोड़ी देर पहले मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल गया था, वहाँ के जो एडिशनल CMO है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी इंटरनल इंक्वायरी इस पूरे मामले को लेकर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक रिपोर्टर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर रिपोर्टिंग कर रहा था तो आखिरकार मारपीट क्यों किया गया और खासकर बंधक बनाकर मारपीट क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर उठ रहा है। और ऐसे में अब रोहिणी थाने ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गार्ड और दूसरा सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है और IPC के तमाम धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो आगे भी अस्पताल के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करेगी क्योंकि सबसे बड़ा आरोप CMO पर लग रहा है क्योंकि CMO के कहने पर कमरे में बंधक बनाकर पिटाई की गई हमारे रिपोर्टर हितेन की। तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल दो लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पूरे मामले में। जी शुक्रिया सुमित, फिलहाल सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा और अपडेट के लिए लौटेंगे क्योंकि जी हिंदुस्तान लगातार ये मांग कर रहा है कि हमारे सहयोगी के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई, बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट हुई और जिन लोगों ने भी ये किया, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी तरह हर बड़ी खबर पर नजर भी हमारी लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट।